हेलो फ्रेंड, दिस इज कौशल किशोर शर्मा एंड वेलकम टू इंग्लिश मंथ। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश में जो दो टाइप्स की वर्ब होती हैं, रेगुलर एंड इररेगुलर वर्ब, इनमें क्या डिफरेंस है और कौन सी वर्ब हमारी रेगुलर होगी, कौन सी वर्ब इररेगुलर होगी और कौन सी वर्ब दोनों रेगुलर और इररेगुलर वर्ब होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर है हमारा रेगुलर एंड इररेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं? ऐसी वर्ब जिनके पास्ट सिंपल फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो इंड होते हैं वो किस में होते हैं? ईडी में। कहने का मतलब है ऐसी वर्ब जिनके सेकेंड और थर्ड फॉर्म में ईडी आता है वो आपकी होती हैं रेगुलर वर्ब। लेकिन एग्जाम में आपको इस तरह से नहीं मिलेगा कि फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म, इस तरह से एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। कई बार नॉर्मली पूछ लिया जाता है कि बैंड का इन्फिनेटिव फॉर्म बताइए, तो जो इन्फिनेटिव फॉर्म होता है वो उसे हम फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं। यानी एग्जाम में जब भी आपको किसी वर्ब का इन्फिनेटिव फॉर्म पूछा जाए तो यानी कि आपको वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लिखना है। और इसके साथ साथ जो इन्फिनेटिव है इसका एक और नाम है, वो है प्रेजेंट सिंपल फॉर्म। प्रेजेंट सिंपल, चाहे हम प्रेजेंट सिंपल बोलें या इन्फिनेटिव बोलें या फर्स्ट फॉर्म बोलें, एक ही बात होगी। चलिए दूसरा देखते हैं आप, जैसे सेकेंड फॉर्म बोलते हैं इसको हम कहते हैं पास्ट सिंपल फॉर्म। यदि एग्जाम में आपसे ये पूछा जाए कि इस वर्ब का पास्ट सिंपल फॉर्म बताइए, जैसे गो है, आपसे पूछ लिया जाए कि गो का पास्ट सिंपल फॉर्म क्या होगा, तो गो का जो पास्ट सिंपल होगा वो होगा वेंट। जरूरी नहीं है एग्जाम में आपको इस तरह से पूछा जाए कि इसका सेकेंड फॉर्म बताओ, और इस तरह से मिलेगा भी नहीं कभी भी आपको, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है आपका थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म को हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि आपसे ये पूछा जाए कि बाई का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बताइए, तो आप क्या बताएंगे? बॉट, है ना। तो इस तरह से ये हमारी वर्ब होती है। और लास्ट एक और देख लीजिए, ये भी पूछ लिया जाता है, फोर्थ फॉर्म जैसे आप बोलते हैं उसे हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होते हैं? वर्ब में आईएनजी। यदि आपसे कहा जाए रीड का प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होगा, तो रीड का प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा रीडिंग। इस तरह से वर्ब को याद कीजिए। अब हम देखते हैं कि जो रेगुलर वर्ब होती हैं उनके पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल जो इंड होते हैं वो किस में होते हैं? ईडी में। यानी जिन वर्ब के सेकेंड और थर्ड फॉर्म में आप ईडी लगाते हैं वो आपकी रेगुलर वर्ब होंगी। जैसे क्लीन का यदि हम सेकेंड फॉर्म बनाएं तो क्या बनेगा? क्लीन्ड। यदि हम इसका थर्ड फॉर्म बनाएं तो क्या बनेगा? क्लीन्ड। आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो क्लीनेड। इस तरह से नेक्स्ट है फिनिश्ड। अब फिनिश क्या होता है? आपका रेगुलर वर्ब है और इसमें क्या हो रहा है? आपका फिनिश्ड, ईडी आएगा, यानी ये रेगुलर वर्ब। थर्ड फॉर्म क्या होता है? फिनिश्ड, यानी ये भी रेगुलर वर्ब। नेक्स्ट है स्टॉप। स्टॉप को कैसे बनाएंगे? डबल पी एंड ईडी, ये सेकेंड फॉर्म एंड स्टॉप्ड। कहने का मतलब है कि बहुत ही सिंपल है समझना कि कौन सी वर्ब हमारी रेगुलर हो रही है और कौन सी वर्ब इररेगुलर हो रही है। यानी कि जिस वर्ब के सेकेंड और थर्ड फॉर्म में ईडी आता है वो आपकी रेगुलर वर्ब होती हैं। अब देखते हैं हम इररेगुलर वर्ब के बारे में। इररेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं? जिनके पास्ट सिंपल एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में ईडी नहीं आता है उन्हें हम कहते हैं इररेगुलर वर्ब। जैसे हिट। हिट का आपको पास्ट सिंपल फॉर्म पूछा जाए तो क्या बनाएंगे? हिट। और मैं आपसे बोलूं कि ये इररेगुलर वर्ब है तो इसका मतलब हुआ इसके सेकेंड और थर्ड फॉर्म में ईडी नहीं आएगी। नेक्स्ट है टेल। अब टेल का पास्ट सिंपल क्या होता है? वो होता है टोल्ड। अब इसमें भी ईडी नहीं है। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? टोल्ड। तो ये भी आपकी इररेगुलर वर्ब है। नेक्स्ट है गेट का पास्ट सिंपल गॉट एंड पास्ट पार्टिसिपल भी गॉट ही होता है। लेकिन कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल में ईडी भी आ सकता है और वो इररेगुलर वर्ब भी हो सकती हैं। कहने का मतलब कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो रेगुलर भी होती हैं और इररेगुलर भी होती हैं, आप किसी भी तरह यूज कर सकते हैं। जैसे बर्न का पास्ट सिंपल फॉर्म क्या होगा? ये हो जाएगा आपका बर्नड एंड बर्नड, ठीक है। यही पास्ट सिंपल फॉर्म होता है और यही यानी दो बनते हैं इसके। ड्रीम का क्या होगा? ड्रीम्ड एंड ड्रीम्ड, ये इसके पास्ट सिंपल फॉर्म भी होंगे, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी होंगे। लर्न में स्पेलिंग गलत है, लर्न ये है लर्न्ड, या फिर टीबी लगा सकते हैं इस तरह से। स्मेल का क्या होता है? स्मेल्ड भी होता है,
एंड स्मेल्ट भी होता है। तो बहुत ही सिंपल और इजीली आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी रेगुलर वर्ब कौन सी होती है और इररेगुलर वर्ब कौन सी होती है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी वर्ब रेगुलर है या कौन सी वर्ब इररेगुलर है, तो आप बहुत ही आसानी से वहाँ पर पहचान सकते हैं कि यहाँ पर हमारी कौन सी वर्ब रेगुलर होगी और कौन सी वर्ब इररेगुलर होगी। क्लास कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना, पसंद आए तो शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।